नमस्कार, स्वागत है आपका इन भारत में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से। पहले अमेठी में रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लग गया है। ग्रामीणों ने बोर्ड पर लिखा है कि खानाबदोश जीवन जीने को ग्रामीण मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के मौसम में गाँव में जाने का रास्ता भी नहीं रहता। प्रधान से लेकर जनप्रतिनिधि तक रहे लोग, लेकिन शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है। इस बार अगर सड़क नहीं बनी तो हम ग्रामीण मतदान नहीं करेंगे। ये पूरा मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के बाबूपुर ग्राम सभा का है। हमें जनता के लिए, गांव के लिए, और पानी, बारिश में पानी भर जाता है, आने जाने के लिए हर चीज दिक्कत है। अगर रोड नहीं बनेगी तो आप लोग क्या करेंगी? हम करेंगे कि हम वोट नहीं देंगे किसी को। जाने के लिए दिक्कत है, आने जाने के लिए दिक्कत है। इसलिए लगाया है हमारा रोड, 20 साल हो चुका है, बना नहीं अभी तक। जितनी बार प्रधान इलेक्शन होता है तो कहते हैं अब की बना देंगे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें सड़क न होने से क्या समस्याएं आती है? पूरी समस्या, पूरे गांव का निकास उधर से ही है, कोई निकल नहीं पा रहा। बरसात में पानी भर जाता है, पानी में हल्के आते जाते हैं हम लोग। वही केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में हैं। सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री अमेठी पहुंची। इसके तत्काल बाद उन्होंने संग्रामपुर, भादर और अमेठी ब्लॉक अंतर्गत लगभग आधा दर्जन गांव में पहुंचकर विभिन्न कारणों से मृतक हुए लोगों के घर पर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद अमेठी सांसद जनपद मुख्यालय गौरीगंज के मेंदन मवई गाँव में बने अपने निज निवास पर पहुंचेंगी, जहां पर लोकसभा चुनाव से संबंधित ताबड़तोड़ कई बैठक भी करेंगी, जिसमें लोकसभा और कमेटी की बैठक, लोकसभा संचालन समिति की बैठक, विधानसभा कोर कमेटी की बैठक और विधानसभा संचालन समिति की बैठक कर नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। वो जिलाधिकारी के साथ बैठक, मंडल पदाधिकारी के साथ बैठक, मंडल अध्यक्षकों के साथ बैठक, मंडल महामंत्री के साथ बैठक और विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्षों और मंडल अध्यक्षकों के साथ भी बैठक करेंगी। इसी के साथ साथ अधिवक्ता संघ के साथ और फिर कोटेदार संघ और अंत में व्यापार मंडल के पदाधिकारी के साथ चुनावी बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच बुधवार को रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में हार्दिक पांड्या की टीम को 31 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में तमाम रिकॉर्ड्स बने। पैट कमिंग्स की अगुवाई में टीम ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। 20 ओवर में टीम ने 3 विकेट गंवाकर 277 रन बनाए। इस मामले में उन्होंने 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई इंडियंस इस लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही। पांड्या की अगुवाई में टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 246 रन बनाए। पीलीभीत से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का पिछले 35 साल से चला आ रहा सियासी रिश्ता खत्म हो गया। 1989 के बाद यह पहली बार हुआ कि जब दोनों में से किसी ने भी पीलीभीत सीट से पर्चा नहीं भरा। बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत से सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी ने भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को प्रणाम करते हुए लिखा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत में मिले आदर्श, सरलता और सदृढ़ता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। वहीं कानपुर के कोर्ट में सपा विधायक इरफान सोलंकी की किस्मत का बड़ा फैसला हो सकता है। आज आगजनी मामले में एमपीएमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा रही तो विधायक की भी चली जाएगी। इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। इरफान के साथ अन्य कई आरोपियों की किस्मत का फैसला भी हो सकता है। इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से लाया जा रहा है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को कोर्ट परिसर में तैनात किया गया है।
मामला हमीरपुर के मेरापुर कैनाल के पश्चिमी नहर का है, जहां पर नहर का काम अधूरा पड़ा रहने से नहर का पानी खेतों में जा रहा है। वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों की खड़ी फसल को काफी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र से एक मामला सामने आ रहा है। त्योहार पर खुलेआम अवैध शस्त्र का प्रदर्शन करने वाले को जहां पुलिस ने पकड़ लिया है। एक हाथ से स्कूटी चलाते, दूसरे हाथ से तमंचा लेकर घूमने वाले पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। टेडी बगिया चौकी इंचार्ज विधान चंद कुशवाहा ने दो सिपाहियों के साथ घेराबंदी कर शातिर को पकड़ लिया। मुखबिर की सूचना पर खाली पड़े प्लॉट से शातिर की गिरफ्तारी हुई है। थाना प्रभारी सुमनेश विकल के आने के बाद से लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए शातिर के पास से 12 बोर का तमंचा और 2 कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। शातिर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां पर एक 7 साल की मासूम के साथ नशे में धुत युवक ने दरिंदगी की। बच्चे की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्ची के परिजनों को मामले की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन बच्चे की हालत को देखते हुए घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। बच्ची को इलाज के लिए स्थानीय CHC पर ले जाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने बच्ची की हालत को गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए बाराबंकी जिला महिला अस्पताल भेजा है, जहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। अभी बच्ची की हालत सामान्य बताई जा रही है। जनपद बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र में एक माइनर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना आज घटित हुई है। वह बच्ची जब खेलने के दौरान अपने पड़ोसी के घर पहुंची तो उस व्यक्ति ने बुरी नीयत के साथ उसके साथ छेड़छाड़ किया। इस घटना की सूचना प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण एवं उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ उसकी स्थिति सामान्य है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का मामला है। पुलिसकर्मियों ने युवक को बीच सड़क पर पकड़ लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। डायल 112 के 2 पुलिसकर्मियों ने युवक की बेरहमी से लात घूंसों से पिटाई की। पुलिसकर्मियों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी के नेशनल हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग का सकरा रास्ता होने के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया। इंडोरोमा फैक्ट्री को जाने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर संकरा रास्ता के कारण 3 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर में 2 ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकलवाया, साथ ही उसे इलाज के लिए अस्पताल भी भिजवाया। पूरा मामला कमरौली थाना के पास का है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।